नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत आपको हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फार्मिंग इन्फॉर्मेशन में। आज का वीडियो लेकर के आए हैं। पहले हम गए थे वहां पर पूनिया डेयरी फार्म जांसल भाई रमेश के पास, तो वो उस टाइम की वीडियो आपको दिखा रहे हैं और नई वीडियो भी लेकर के आएंगे। अभी थोड़ा काम बचा है घर का, उसके बाद में हफ्ते 10 दिन के अंदर वहाँ की वीडियो कवर करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कैसे क्या उन्होंने जो नया सेट भी बनाया है। और बहुत ही अच्छा राजस्थान में ब्रीडिंग सेंटर खोल रखा है भाई साहब ने, अच्छा साफ सुथरा काम कर रहे हैं ब्रीडिंग के ऊपर। और जो सर से सुरजीत मलिक से मुरा बुल लिया गया था, उसके द्वारा जो इनाम जीते हुए हैं वो आपको दिखा रहे हैं। और ये भी अंदर का शेड है, सिस्टम पुराना भाई साहब का, अभी पता नहीं इसके अंदर पशु बांध जाते हैं या नहीं अभी, क्योंकि नया बनाया है। क्या पता वो छोटे काफ है कटड़े कटड़े उनके लिए बनाया गया हो। तो ये इस तरह भाई साहब ने पाइपें वगैरह लगा करके अच्छा मैनेजमेंट किया है। और इसी के अंदर खुरली के अंदर दिन में पानी भर दिया जाता है ताकि पशुओं को प्यास लगे उस टाइम पानी पी ले, बार बार किसी को बाल्टी से या खोलना नहीं पड़ता। इसमें भी एक टाइम की बचत होती है, अगर कहीं पे जाए तो पीछे से पशु प्यासे नहीं रहेंगे, आराम से अपना जितना ज़रूरत हो उस हिसाब से पानी पी लेंगे। ये बहुत ही बढ़िया बच्चे आए हैं वीरूबुल के, ये भाई साहब दिखा रहे हैं नीचे से अडर वगैरह बढ़िया बनाया गया धोटी के द्वारा, ब्रीडिंग का रिजल्ट इनको मिला। और वहाँ पे जाने के बाद पूछेंगे दूध में कैसा रहा, बच्चे तो बहुत ही बढ़िया आ रहे और भाई साहब कंपटीशन में भी जाते हैं, जो भी प्रदर्शनी मेले वगैरह लगते हैं हरियाणा के जींद भिवानी बट ये इधर हुआ था नेल्ला पावड़ा में, इधर भट्टू के साइड डब्बीखला में, तो और भी बहुत सारी जगह पे गए हैं। राजस्थान का चैंपियन बुल इनके द्वारा तैयार किया गया और ये इनके पशुधन है। ये वीडियो हमने कुछ इनकी यूट्यूब चैनल है पुनिया डेयरी फार्म उससे ली गई है ताकि आपको सारा बता दिया जाए, थोड़ी लंबी हो जाए, हमारे द्वारा थी वो छोटी थी उसमें पूरा नहीं कवर होती बातें। ये वो बुल है, बहुत ही खर्च करके भाई साहब ने तैयार किया है, वो भी इनसे पूछेंगे बुल के बारे में कैसा तैयार किया। काफ तैयार करना अलग बात होती है, एक बुल तैयार करना वो अलग बात होती है, बुल के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता है उसके बाद में ही तैयार होता है। ये राजस्थान का चैंपियन बुल है, सुरजीत मलिक सर से लिया था भाई साहब ने, 75,000 पाँच महीने का था जब, ये विराट बुल का बेटा है और इसका नाम है वीरू। राजस्थान में पिछड़े हुए इलाके में भी इन्होंने मुरा तैयार करके दिखा दी, जो बोलते थे भाई साहब बिना जोड़ के मुरा तैयार नहीं होती, यहाँ पे कम पानी की से भी मुरा भैंस तैयार कर दी इन्होंने। इनके पास भी पहले 7-8-10 लीटर की भैंस होती थी और आज इनके पास 20-22-21-23 किलो दूध की भैंसें हैं और अच्छी अच्छी कटड़ियाँ तैयार की है, वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। सारा फार्म कवर करेंगे भाई साहब का और बागवानी सिस्टम पे भी लग रहे हैं और साथ साथ और भाइयों को भी जागरूक कर रहे हैं गांव के। समय समय पर CIB के डायरेक्टर और डॉक्टरों द्वारा अपने घर पे कार्यक्रम करवाते रहते हैं, दूध की लाइव मिल्किंग रिकॉर्डिंग भी हुई थी इनके फार्म पे, और बहुत सारे किसान इनके साथ जुड़े हुए हैं और गाँव में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। बहुत ही साफ सुथरे दिल के इंसान हैं, समय समय पर उनको भी गांव वालों को भी जानकारी देते रहते हैं, फेसबुक के ऊपर पोस्ट डालते रहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की और जो भी नई तकनीकें आती हैं। और उन्होंने एक मशीन भी दी गई है फर्स्ट फार्मर के नाम से, जो कि दाना चारा मिक्सिंग की मशीन है, वो पिसाई करने की ट्रैक्टर से चलती है और 5 लाख रुपये की आती लगभग इनको जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिली गई
CIRB के द्वारा, वो भी आपको दिखा।